फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेटीएम मनी के इस एप्लीकेशन को यूज करके आप म्यूचुअल फंड मार्केट में डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ब्लॉग पे, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेटीएम मनी का ये ऐप ओपन होने के बाद इस तरीके से दिखेगा, ये इसका होम पेज है। और साथ ही साथ मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस ऐप के बारे में और कितना यूजर फ्रेंडली है ये। और साथ ही साथ तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस ऐप पे रजिस्टर होने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको डिस्क्लोज करना होगा आपका पैन नंबर और आपको चाहिए इधर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, या तो फिर आपको कैंसिल चेक देना होगा जो कि आपको इस ऐप पे ही अपलोड करना है। ये रहा होम पेज, और मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले कैसे ऑटो पे सेट कर सकते हैं ताकि आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होकर सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। तो ये रहा ऑटो पे, ऐड न्यू मैंडेट पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू मैंडेट पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देखिए, ये मेरा बैंक डिटेल हो गया। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप नए बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं, सो कि इस वाले अकाउंट से आपका मनी डिडक्ट होगा जो आपका डिफॉल्ट बैंक अकाउंट है, उसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेज का क्या ओवरव्यू है। ये आप देखिए, टॉप रेटेड फंड्स कौन कौन से फंड्स हैं जो कि अभी टॉप रेटेड है, उनकी रेटिंग्स क्या है और उसका रिटर्न कितना आ रहा है। आप देखिए, टाइम होराइजन भी दिया है, 5 ईयर्स में कितना रिटर्न है, मैक्सिमम कितना है, 3 ईयर्स में, 1 ईयर, 3 मंथ, 1 मंथ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस टाइम होराइजन में कितना रिटर्न आपको ये ऐप दे रहा है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम हॉरिजन में जितना लंबा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, किसी लिक्विड फंड में आप लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम आप कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड को जितना लंबा टाइम हॉरिजन लेंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब देखिए, मैं एक फंड पे क्लिक किया, मैंने L&T इमर्जिंग, ये इसका अभी का NAV दिख रहा है आपको। ये इसकी रेटिंग है जो कि Morningstar ने दी है। साथ ही साथ बहुत सारे रेटिंग एजेंसी है जिसकी आप रेटिंग देख सकते हैं। स्कीम मैनेज भाई, अभी मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए ये स्कीम के फंड मैनेजर्स कौन कौन है। और साथ ही अभी आपको नीचे दिखाई देगा इसका परफॉर्मेंस कितना है, रिटर्न कितना है, और ये रिटर्न कैलकुलेटर, अगर आप 1 लाख रुपए रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना दिखता है। ये इस फंड के फंड मैनेजर है, और अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो है फंड मैनेजर, इन्होंने और कौन कौन सा फंड मैनेज किया है, इनका कौन सा फंड है जिसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है, और कौन कौन से फंड ये मैनेज करते हैं। देखिए, इतने सारे फंड्स हैं जो ये मैनेज करते हैं, और कितने कितने रिटर्न है, कौन से फंड का कितना रिटर्न है, वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इट्स अ वन स्टॉप शॉप। आप देख सकते हैं रिटर्न कैलकुलेटर, 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज तो आपको कितना मिलता है म्यूचुअल फंड में। ये कंपैरिजन दिया गया है, FD में करते हैं, अगर आप सेविंग्स में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम हॉरिजन है। अगर आप 1 साल के लिए करना चाहेंगे तो आपको FD जो है ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड इज फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। अगर आप मैक्सिमम टाइम के लिए, तो डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली देखिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1% जो आपको ये कॉस्ट आता है एडवाइजर को जो मान लीजिए जाता है, वो आपको मिलेगा, आपके रिटर्न में ऐड होगा। तो देखिए इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और फंड्स इन विच कैटेगरी में ये फंड है, इक्विटी में, स्मॉल कैप फंड है, और इस कैटेगरी में और कौन कौन से फंड्स हैं, ये रहा फंड का इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ ये इसका क्या रिस्क एपेटाइट है इस फंड का, ये हाई रिस्क है, कौन से सेक्टर का है, कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट है ये फंड, साथ ही साथ कौन कौन सी कंपनी है उस सेक्टर की, वो भी आप देख सकते हैं। किस सेक्टर में कितना परसेंटेज लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, कौन सी कंपनी में कितना परसेंटेज इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये
रिस्क कैपिटेट कितना है इस फंड का, हाई रिस्क है हाई रिस्क हाई रिटर्न। और अब देखिए रिटर्न कितना है आपका, 3 मंथ्स में कितना है, 6 मंथ्स में कितना है, 1 ईयर में कितना है, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, मैक्सिमम रिटर्न कितना है वो भी आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको आप CAGR भी बोलते हैं वो कितना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही सादगी से बहुत ही सिंपली आप देख सकते हैं इस ऐप पे। बहुत ही बेहतरीन ऐप बनाया है पेटीएम ने, तभी शायद मुझे इतना वेट करना पड़ा इस ऐप का, रजिस्टर होने के बाद भी मुझे 10 दिन का वेट करना पड़ा। देखिए डिफरेंट टाइम हॉरिजन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए तो कितना आपका होता अगर आप म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट किए होते। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ और चीजें इस ऐप से रिलेटेड, टॉप रेटेड फंड्स रेटेड बाय ऑल, अब डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम हॉरिजन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप पूरा रिसर्च इस एक पेज पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप फंड मैनेजर्स देख सकते हैं, कौन से फंड मैनेजर ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया, कौन से फंड मैनेजर कौन से फंड को मैनेज कर रहा है, कौन से एमसी का फंड मैनेजर है और कौन से किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इक्विटी में है, बैलेंस है, टैक्स सेवर है, व्हाट इज दिस। आप देखिए इस ऐप को, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ऐप के बारे में और जानकारी देता हूँ। तो हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न, रिटर्न इसका हाई है, रिस्क भी हाई है, कौन सा फंड है उसमें जिसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया लेकिन उसका रिस्क भी हाई है। आप देखिए SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसका 1 साल का 3 साल का 5 साल का और मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया पूरा डिटेल है यहाँ पे, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर SIP लमसम में। मेरे ख्याल से ये फंड नहीं है बिकॉज ये देखिए नीचे लिख के आ रहा है दिस फंड इज नॉट फॉर लमसम, या आप कब अगर आप SIP चूज कर सकते हैं तो ये देखिए डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप हर महीने की इस तारीख को आपके अकाउंट से ये पैसे डेबिट हो जाएंगे और हर महीने आपका SIP के रूप में आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, इधर बैंक अकाउंट से या तो ATM का यूज करके बैंक अकाउंट से ये पैसे डेबिट हो जाते हैं। इन्वेस्ट नाउ, एक ही NAV दिख रहा है इसका, ये तरह तरह के रिटर्न चार्ट है आपको दिख रहे हैं, 1 साल के 5 साल के मैक्सिमम कितना है इसमें, अगर मैं देखूँ इसमें भी लमसम नहीं है मेरे ख्याल से, SIP है इस फंड में भी, दिस फंड इज नॉट फॉर लमसम। बहुत ईजी, आप अपने हिसाब से डेट चूज कर सकते हैं वहाँ पे। आप इस ऐप में इन्वेस्ट नाउ अगर मैंने क्लिक किया तो इधर देखिए मेरा बैंक अकाउंट आया, प्रोसीड टू पेमेंट, अगर मैं जाता हूँ तो ये नेट बैंकिंग से जाएगा तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इसके बाद नेट बैंकिंग वाला पेज आ जाएगा, या तो डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप इधर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपको अपनी डेबिट कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और कौन सा फंड है जो लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए कोई एक फंड चूज कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। मान लिया मैंने ये फंड चूज किया DSP का और इधर सर लमसम अलाउड है, मिनिमम लमसम अमाउंट जो है वो 1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख मैंने किया, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे फिर मुझे बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग या तो ATM का यूज करना पड़ेगा, ATM इज नॉट मोर देन फॉर 50,000, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने पे तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है, आप घर बैठे कहीं पे भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अब आप इस पे गोल भी सेट कर सकते हैं, मान लीजिए ऐड क्या क्या है आपके, ट्रेवल के लिए, एजुकेशन के लिए, इमरजेंसी फंड या होम के लिए, कार के लिए, इसके लिए भी आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐड गोल करते हैं मुझे होम के लिए चाहिए कितना, 1 करोड़, ओके ऐड गोल, ये गोल आपका ऐड हो गया। आप करेंट गोल देख सकते हैं, होम 1 करोड़ चाहिए, होम 50 लाख चाहिए, ये मेरा प्रोफाइल आ गया। ऑटो पेमेंट ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन ऐप बनाया है, वन स्टॉप शॉप है, बहुत ही अच्छा है।
मुझे तो ये ऐप बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसको, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। अब मैं आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहता हूँ कि इस ऐप को यूज़ करके आपको कैसा लगा। आप देखिए, इस ऐप को यूज़ करके आप यहाँ पे तरह तरह की फंड्स जो है, स्कीम्स जो है, वो सर्च कर सकते हैं। साथ ही देखिए, कीपैड के ऊपर आपके अलग अलग AMCs जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनके नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर मैंने बिरला सर्च किया तो बिरला के सारे फंड्स यहाँ पे आ गए और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ऐप को यूज़ करके। तब तक के लिए थैंक यू।